Hi, hello. Assalamu alaikum, ladies and gentlemen, boys and girls. My name is Salah Singh Kaim Khani. Welcome to my YouTube channel, SHKK. Aghaz karte hain aaj ke vlog. आज के ब्लॉग में जैसे अगर टाइटल और थंबनेल देख के आपको अंदाजा हो ही गया होगा कि आज के ब्लॉग में क्या करने वाला हूँ, क्या बात करने वाला हूँ, तो आज के ब्लॉग में आईफोन के मुताबिक बात होगी। और आईफोन मेरा नहीं है, किसी ने सही करवाने के लिए दिया था हमें, तो ये आईफोन है, देख लो सही है। और किसी ने सही रिपेयर करवाने के लिए दिया था, तो मतलब फिर वो रिपेयर होकर आ गया, तो उन्होंने बोला दो आप ट्राई कर लेना, दो तीन चला के चेक कर लेना, फिर उसके बाद आपने सेंड कर देना, हमें भेज देना। तो इस वजह से मैंने सोचा चेक कर लूँ इसको चला के, तो इतने मैं ब्लॉग बना लीजिए आईफोन से, क्योंकि एक कमेंट भी आया था यूट्यूब पे, आई गोइंग टू सही ना मोबाइल मार्केट की यूट्यूब वीडियो थी जो कि स्क्रीन पे चल रही होगी, उस पर कमेंट भी आया था कि भाई आईफोन पे ब्लॉग बनाना, तो इसलिए आईफोन के मुताबिक ब्लॉग बनाएंगे। ये आईफोन 7 है और इसमें 2 GB रैम है और तकरीबन 13 GB कुछ इस तरह की स्टोरेज है इसमें। और इसकी तकरीबन मालियत जो इस वक्त ये डिब्बा पे नहीं मिलता पाकिस्तान में, पाकिस्तान में सोई डिब्बा पैक नहीं है, लेकिन उसकी जो प्राइस है वो 50-60,000 तक की है डिब्बा पैक जो थी। तो अभी फिलहाल तो मेरे ख्याल से अवेलेबल किसी के पास हो तो अलग बात है, मैंने जो चेक किया था उसमें तो अभी तक बताया कि इसको आप लीजिए पाकिस्तान में। इसका आजकल लोग यार बड़े मोबाइल से, चलो इस मोबाइल के बारे में थोड़ा सा देखो फिर उसके बाद बात। अंदाज़ा हो गया आईफोन 7 देख लिया कैसा है आईफोन 7। तो आज की वीडियो आईफोन 7 से मुताल्लिक ही रहेगी। तो आईफोन 7 अभी इस वक्त जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, जिससे मैं ब्लॉग बनाता हूँ, ये 1X मोबाइल है, 1X प्लस है कंपनी है 1X, आपने शायद कभी ना सुना हो किसी ने, लेकिन मशहूर कंपनी है जिसका मैं यूज़ करता हूँ। लेकिन मैं ये बताऊँगा कि आपको तो ब्लॉग के लिए बेहतरीन मोबाइल, मतलब भाई अगर प्राइस के हिसाब से देखो तो ये बहुत ज़्यादा महंगा है, तो मैं ये बोलता हूँ अगर प्राइस के हिसाब से अगर आप ये लो, इससे अच्छा ब्लॉगिंग के लिए कैमरा ले लो, इस तरह के इस हिसाब से मैं ये मशवरा दूंगा, लेकिन फिर मर्ज़ी हर बंदे की। तो मैं आपको बताता हूँ, अभी देखिए मैं क्लिप बनाऊंगा एक 1X से, विदाउट एडिटेड करूंगा इसको, 1X की जो वीडियो होगी उसको विदाउट एडिट करूंगा, और एक इसकी होगी विदाउट एडिट, तो कुछ भी एडिट का पार्ट नहीं होगा उसमें, सिम जैसी बनेगी वैसी आपके पास आएगी आपकी स्क्रीन, तो उससे अंदाज़ा हो जाएगा आप लोगों को कि आवाज़ का और वीडियो का सारे कट का सब का चीज़ का अंदाज़ा हो जाएगा, वीडियो क्वालिटी और आवाज़ का क्या हिसाब। आवाज़ के हिसाब से आईफोन बेहतरीन है वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए, कि वॉइस पे इतना काम नहीं करना पड़ता। तो मैं आपको फिर बताता हूँ मैं क्या क्या करता हूँ वॉइस पे। इस वक्त जो आप ये वीडियो देख रहे हैं ये है आईफोन 7 की, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं आपको मेरी आवाज़ कैसी आ रही है। तो यानी ये वही रेंज होती है जो कि मैं जो मैं स्टिक पे लगा के मोबाइल करता हूँ, तो इस वक्त ये वही रेंज, और आपको मेरी आवाज़ कैसी आ रही है आप लोग खुद अंदाज़ा लगा सकते हो। आईफोन 7 है विदाउट एडिट आवाज़ है, और मैं आपको मोबाइल दिखा देता हूँ, देखा तो होगा वैसे भी आप लोगों ने कि दिखा दी होगी एक शॉट, जो 1X है मैं वो ये यूज़ करता हूँ, ये मोबाइल है 1X कंपनी का है, जो कि बैक से तो बहुत हसीन लग रहा है, लेकिन आगे से फ्रंट से दिखाऊंगा तो आप लोग बोलोगे फ्रंट से इसको जिसका यूनिक आ रहा है, लेकिन अच्छा है, बेहतर मोबाइल है, ज़बरदस्त मोबाइल है, तो क्वालिटी भी अच्छी देता है, लेकिन बस वॉइस का थोड़ा सा इशू है कि हम वीडियो बनाने के लिए। तो अब मैं आपसे 1X पे बात करता हूँ, देखते हैं 1X और आईफोन में क्या आपको डिस्प्ले करता है, क्या डिफरेंट लगता है। मैं 1X मोबाइल पर आ जाऊँ वापस, जिस वक्त आप जो देख रहे हैं ये मेरा जो जिससे मैं हमेशा ब्लॉग बनाता रहता हूँ 1X मोबाइल है, जो कि विदाउट वीडियो एडिट के, यानी मैंने इसको अभी तक एडिट नहीं किया, तो आप वॉइस का अंदाज़ा लगा सकते हो, कुछ खास नहीं आ रहा होगा वॉइस, और क्या आ रही भी नहीं आ रही मुझे तो ये भी नहीं पता क्या आ रही होगी नहीं आ रही होगी, क्योंकि इसमें मैं वॉइस में काफ़ी काम करना पड़ता है मुझे, कि मुझे इतना टाइम वीडियो एडिट में नहीं लगता जितना इसकी वॉइस में, डबल ट्रिपल करके मुझे वॉइस एडिट करना पड़ता है ताकि वॉइस आप तक सही जाए, आवाज़ क्लियर है, आवाज़ आप लोगों को सही पहुँचे मेरी, इस वजह से। तो आईफोन और 1X का ये डिफरेंट है मोबाइल में ब्लॉगिंग वीडियो के हिसाब से, लेकिन मैं आपको वही कहूँगा फिर बात करते हैं। सो गाइस, तो मैं जैसे कि आपको बोला था आईफोन के बारे में, तो आईफोन की इस वक्त लोग आप लोग बोल रहे हो कि लोग 11 प्रो पे जा रहे हैं, 11 प्रो तकरीबन जिसकी मालियत मैंने ऑनलाइन देखी थी तो 2,15,000 रुपये 11 प्रो आईफोन 11 प्रो की मालियत है, तो काफ़ी महंगा है मालियत, मतलब कीमत प्राइस,
तो इसकी काफ़ी महंगा 11 प्रो, लोग 11 प्रो पे जा रहे हैं और तू 7 बता रहा है, भाई क्या कर रहा है। तो भाई देखो, मेरे पास तो फर्स्ट टाइम आया आईफोन, तो इस वजह से मैंने सोचा इसकी ब्लॉग बना जाए, वीडियो बनाई जाए। तो मैं फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहा हूँ, मुझे आईफोन अच्छा है, बेहतरीन है मेरे लिए। तो ब्लॉग का मुझे आधा काम आईफोन कर देता है, जो वॉइस का मुझे इतना नहीं होता, क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा वॉइस में इशू होता था एडिट का। तो वो तो ये है, इसकी वॉइस बहुत अच्छी है, लेकिन कुछ है भी आईफोन में इशूज़, जैसे कि एप्पल आईडीज़ होती है, इस तरह की आईडीज़ होती है, इन चीज़ों में बहुत अपडेट देना पड़ता है। वरना अगर आईफोन का हिसाब अपडेट का आप देते रहोगे तो आप साथ चलते रहोगे, आप अपडेट नहीं दोगे ना तो आप पीछे ले जाओगे आईफोन में, फिर वो एप्लीकेशन मज़ा नहीं देती मेरे हिसाब से, वो मज़ा नहीं देती, वो अच्छी कुछ खास आपको नहीं दे सकती फिर वो। इस वजह से आईफोन बेहतरीन मोबाइल है, लेकिन मैं ये बोलता हूँ अगर मतलब जैसे कि ये है 50 से 60 थाउजेंड का डब्बा पैक मोबाइल है, और इस मालियत में अगर हम 50 से 60 थाउजेंड का मोबाइल या 2,15,000 रुपये का मोबाइल है, इससे अच्छा अगर अगर कोई यूट्यूबर कोई ब्लॉगर है वो कैमरा लेगा, कैमरे से बेहतरीन क्वालिटी आएगी, बेहतरीन चीज़ होगी, ना कि आईफोन। हाँ फिर उसका इतना इसके पास इतना है कि पैसे वो फिर आईफोन ले लेगा, लेकिन मेरे हिसाब से आईफोन बहुत ज़्यादा महंगा है, बहुत ज़्यादा। ओरिजिनल कॉपी भी आ रही है, मैंने देखी है एक दो कॉपी में, तो वो वॉइस वाली वो क्वालिटी नहीं होती कॉपी में जो ओरिजिनल में होती है, तो बस ओरिजिनल की। तो मैंने सोचा ये थोड़ी सी राय आपके साथ शेयर करें। सो गाइस, आज की वीडियो को एंड करने से पहले अगर आपको मेरी वीडियो में कोई पार्ट बुरा लगा हो, मेरी वीडियो में कोई बात बुरी लगी हो, मैं उसके लिए आपसे माफ़ी चाहता हूँ, माजरत खाऊँ, आई एम रियली सॉरी। आज वीडियो को एंड करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लो, नीचे सब्सक्राइब का बटन है लाल कलर का, आप उस पर क्लिक करेंगे वो सफ़ेद कलर का हो जाएगा, तो आप क्लिक कीजिए उसको। सो गाइस, आज की वीडियो को यहीं पे एंड करता हूं, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट और शेयर लाजमी कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हाफिज़, पाकिस्तान जिंदा।